नमस्कार, मैं पिन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो रिजल्ट का डिटेल में यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका मिनिमम कट ऑफ कितनी गई, मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई, उसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ कितनी गई, उसके अलावा जो यूडीसी की कट ऑफ है वो कितनी गई, उसके अलावा टैक्स स्टैंड की कट ऑफ कितनी गई, उन सब पे बात करेंगे। उसके अलावा जो आपके फाइनल मार्क्स हैं वो कब तक आएंगे, उसके अलावा जिन बच्चों का रिजल्ट विथड्रॉल रखा गया है उनका क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए एक बैड न्यूज़ है उस पर भी बात करेंगे, और 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को देखिए, आपको यहाँ से ये आइडिया लगेगा कि अगर आपको इन इन पोस्ट पर सिलेक्शन लेना है तो मिनिमम आपको इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपके लिए समझने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मली ये बताया कि इन्होंने एग्ज़ाम कब से कब तक कराया, ठीक है। ये जो है ये आपके टीयर वन जो सेक्शन वन और सेक्शन टू की कट ऑफ है, इसके बेसिस पे जो इस कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा उसी का सेक्शन जो थर्ड एग्ज़ाम है वो आपका चेक किया जाएगा। यानी कि जिसके इससे कम नंबर हैं उसका सेक्शन थर्ड चेक नहीं होगा। और इसका सिर्फ मकसद जो है वो यही होता है कि यहाँ पे जो भीड़ है उसको छटनी किया जाए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है सेक्शन वन और सेक्शन टू की, इसमें 39,273 बच्चे क्वालिफाई हुए। यहाँ पे जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं, यूआर की 287 गई, ईडब्ल्यूएस की 265 गई, ओबीसी की 271 गई, एसटी की 241 गई, एससी की 252 गई। मतलब इससे कम जिसके नंबर थे उसका कोई मतलब नहीं है, उसको उसका जो सेक्शन थर्ड है वो चेक नहीं किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसने इससे भी कम स्कोर किया उसका सेक्शन थर्ड चेक हुआ ही नहीं और वो यहीं से एग्ज़ाम से आउट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड है वो आपका ये है। ये सिर्फ नॉर्मली ये है कि बताने के लिए कि इतने जो है नंबर आपको लाने हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका टाइपिंग है, टाइपिंग के लिए जो अदर पोस्ट, जैसे वो पोस्ट जिनमें मतलब टाइपिंग क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मतलब जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उनके लिए इतनी आपको एरर परसेंट जो है वो अलाउ है। बाकी वो पोस्ट मैक्सिमम परसेंट ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल सेकेंड डेस्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर वन ऑफ टीयर सेकेंड एग्जामिनेशन आर एस फॉलोज। यानी कि वो पोस्ट जिनमें पहले टाइपिंग वगैरह कुछ नहीं होता था उनके लिए, चूंकि इस बार 2022 से पैटर्न चेंज किया है तो सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग मैंडेटरी कर दिया, तो उन पोस्ट के लिए इतनी टाइपिंग में आपको छूट मिलेगी। यूआर वालों को 20%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनको 30%। बाकी जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग होता था और जिन पोस्ट के लिए मैंडेटरी है उनमें जो एरर परसेंट है वो इतना अलाउ है। यूआर वालों को 5%, पीडब्ल्यूडी को, बीएच को, एचएच को, ओएच को 10%, ESM को, EWS को, OBC को, ST, SC को 7% की छूट मिलेगी। बाकी कंप्यूटर की आप कटाप देख सकते हैं, वो पोस्ट मतलब CPT वाले जो पोस्ट हैं उनमें कंप्यूटर की कटाप बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, पिछले साल की कम तुलना में जो है मतलब उसके लगभग बराबर है, ठीक है। UR की कितनी है 27, PWD की जो है वो 21 है, BH की 21 है, HH की 21 है, OH की 21 है, ESM की 21 है, EWS की 24 है, OBC की 24 है, ST की 21 है, और SC जो कैंडिडेट हैं उनकी 21 नंबर गई है कट ऑफ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे नहीं गई है, ठीक है। ये वो पोस्ट है जिनमें आपका टाइपिंग जो है वो मैंडेटरी, यानी कि ये उस ये वाली जो पोस्टें हैं ये इस रेंज में आती हैं, किस रेंज में, जिनमें आपका जो मतलब एरर परसेंट जो है इतना अलाउ है। कौन कौन सी पोस्ट हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आपकी फॉर द फॉलोइंग पोस्ट हायर स्टैंडर्ड इन DST हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि UDC की जो पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसके अलावा आपके टैक्स असिस्टेंट CBDT और CBIC में है, इनके लिए क्या है कि आपको जितनी मैंने आपको बताया इतने परसेंट की छूट मिलेगी। आप देख सकते हैं 7%, 10% और 5% की। बाकी जो अदर पोस्ट है उनमें 20%, 25% और 30% कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया टोटल आप देख सकते हैं, टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है 78,785, और यहाँ पे जो कैंडिडेट रिकमेंड किए गए हैं वो 78,590 ही कैंडिडेट जो हैं वो रिकमेंड किए गए। सबसे जो बुरी खबर है आपके लिए वो ये है कि AA की जो पोस्ट है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, AA की जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया, उसकी कोई कट ऑफ नहीं आई। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये आपके लिए बैड न्यूज़ है कि AA पे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके अलावा ये चीज़ें हमेशा से SSC में चल रही हैं। पहली बात तो ये
कि आपके पास जितनी वैकेंसी आप उतनी निकालो। क्या होता है कि शुरुआत में वैकेंसी ज़्यादा दिखा के फॉर्म ज़्यादा पड़ जाते हैं, फिर वैकेंसी आप बाद में डिक्रीज कर देते हो, तो ये गलत है, ठीक है। या बाद में आप फाइनल जो वैकेंसी हैं उनको फिर से डिक्रीज कर देते हो, तो ये गलत है। उसके अलावा आप कम से कम इस बार ये भी गलती हुई है कि टीयर वन में इन्होंने बहुत कम गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया, तो कभी आप 10 गुना बुलाते हो, कभी 15 गुना बुलाते हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बाकी जितनी वैकेंसी हैं उतनी ही वैकेंसी जो है आप उन्हें भरो, बाद में वैकेंसी चेंजेस होना ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। तो डबल एओ की जो पोस्ट है उसको हटा दिया गया है, उसकी कोई कट ऑफ नहीं निकाली गई है, तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो रिकमेंड किए गए, जैसे कि ईडब्ल्यूएस की 740 पोस्ट है, 740 ही बच्चे लिए गए। एससी की 1189 वैकेंसी है, 1189 बच्चे लिए गए। एसटी की इतनी वैकेंसी है, सब कुछ आप देख सकते हैं। बाकी ये वो मतलब इतने एस्पिरेंट जो हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या गई, तो ये आपकी जेएसओ की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पोस्ट कोड है इसका। अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर की 393.5 नंबर गई है कट ऑफ, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 378 है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं एसटी की कट ऑफ 352 है, एससी की कट ऑफ जो है वो 360 है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप देख सकते हैं 400.5 है। उसके अलावा ये जो कट ऑफ है वो अदर जितनी भी पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ है, यहाँ पे पोस्ट कोड है और आप कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे कट ऑफ की, अभी मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ कि जो मतलब किस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो कैंडिडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो जो कैंडिडेट हैं उनका रोल नंबर ये दिया हुआ है, इनको एग्ज़ाम से डिवार कर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 10 बच्चे हैं इनका जो मतलब रिजल्ट है इसको विदेल्ड रखा गया है। विदेल्ड वालों का क्या होता है कि अभी आपका प्रोसेस जिस वजह से आपको विदेल्ड किया गया है उस चीज़ का स्क्रूटनी होगा, अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपको आपका बाद में रिजल्ट निकलेगा और आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और आपको एग्ज़ाम से ही बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि फाइनल जो मार्क्स हैं वो कब आएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 17 में मेंशन किया हुआ है, फाइनल आंसर की एंड डिटेल मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन शॉर्टली। यानी कि इसके बारे में कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं किया गया, ये बताया गया है कि बहुत जल्द उनको अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आप मान के चल सकते हो कि बहुत जल्द जो है वो आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो कब तक आएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा जो है वो मैंने क्यूमैस की साइट से लिया है, इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो मैं क्यूमैस को देता हूँ। यहाँ से आप चीज़ें आराम से समझ सकते हो कि किस पोस्ट की कट ऑफ कितनी गई, मिनिमम कट ऑफ कितनी गई, मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 338, कितने में, 390 नंबर में। तो आप देख सकते हैं 338 नंबर कट ऑफ है। मिनिमम जो कट ऑफ है वो कितनी है, 302। 302 कट ऑफ किसकी गई है आप देख सकते हैं, यूडीसी की एटॉमिक एनर्जी में जो कट ऑफ है वो 302 है। मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो ईडी की गई है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कट ऑफ है वो आपकी मैक्सिमम गई है। अगर हम बात करें एएसओ इन सीएसएस की, तो 320 नंबर कट ऑफ गई है। आईबी की 320 गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ 311 गई है। एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें तो 310 कट ऑफ गई है। अगर हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, तो 325 नंबर कट ऑफ गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं अगर हम टैक्स असिस्टेंट की बात करें, तो टैक्स असिस्टेंट की जो कट ऑफ है वो 306 गई है सीबीडीटी में, और सीबीआईसी में कितनी गई है, 303 गई है, ठीक है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं उनकी आप कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो कट ऑफ है वो 314 है। उसके अलावा एएसओ इन कैट में आप देख सकते हैं 323 कट ऑफ गई है। उसके अलावा एएसओ एनआईसी में 327 गई है। एएसओ ईसी में आपकी 332 गई है। एएफएचक्यू में आपकी 320 गई है। तो पूरी कट ऑफ की लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी कितनी गई हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मिनिमम कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जो टैक्स असिस्टेंट की, जैसे कि ये यूआर में जो मिनिमम कट ऑफ गई है वो 302 गई है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में जो मिनिमम आपकी कट ऑफ है वो कितनी गई है, 301 गई है। ऐसे ओबीसी में 301 गई है। ऐसे एससी में मिनिमम कट ऑफ 284 गई है। ऐसे एसटी में कितनी गई है, 276। किस पोस्ट के लिए आपकी,
टैक्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ किसकी गई है, यूडीसी की गई है, एटॉमिक एनर्जी के लिए। तो ये पूरा चार्ट क्यूमैस की साइट से आप देख सकते हैं। बाकी इसको मैं टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उस पर डाल दूंगा, तो यहाँ से कम्प्लीटली आप चेक कर पाएंगे कि किस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। ये जो चार्ट है वो सीजल 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि कितना कंपटीशन है। आप देख सकते हैं कि 390 में से आपको मिनिमम 302 नंबर लाने पड़ रहे हैं मिनिमम सिलेक्शन के लिए यूआर की कैटेगरी में, ठीक है। बाकी हर साल आपका कंपटीशन भी बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो वैकेंसी है कितनी की आती हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हो कि इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा, आपको टारगेट जो है वो 300 प्लस का ही लेके चलना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बाकी अगर आप 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन मैं आपकी कराऊंगा। मैं आपको प्रीवियस ईयर कि जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। हमारा टारगेट है कि हम पिछले 3 साल के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और फिर आपके लिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हम आपके लिए वीकली लाइव ऑल इंडिया मॉक भी कराने वाले हैं जो एग्ज़ाम रिलेवेंट होगा। ये हमारे एप्लीकेशन पे होगा, हमने आपके लिए कंप्लीट एप्लीकेशन भी बना दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।